हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप अपने कंप्यूटर विंडो पीसी के अंदर डेस्कटॉप के अंदर किसी भी फोल्डर पे वो हाइड कैसे करोगे, छुपाओगे कैसे विदाउट एनी सॉफ्टवेयर। ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप अपने पीसी के अंदर है किसी भी फोल्डर को है वो डेस्कटॉप के ऊपर हाइड कर सकते हो। आपके जो भी पर्सनल फाइल्स हो या डॉक्यूमेंट्स हो या वीडियो या फोटोज हो, जो भी हो जिसको आप है वो छिपाना चाहते हो, तो आप डेस्कटॉप पे भी है वो उस फाइल को या उस फोल्डर को वो हाइड कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में ये सब हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे हम लोग डेस्कटॉप पे हाइड फोल्डर है वो क्रिएट करेंगे विदाउट एनी सॉफ्टवेयर के। तो हेलो दोस्तों, मैं सत्यपाल शर्मा टेक्निकल दोस्त इंडिया के चैनल में आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके यदि ज़्यादा ही पर्सनल डेटा हो तो आप डेस्कटॉप के अंदर फोल्डर है वो क्रिएट करके सेव न करें या हाइड करके न करें। मेरा मकसद है वो सिर्फ आपको बताना है कि आप डेस्कटॉप पे फोल्डर को है हाइड कैसे करोगे। यदि बाय चांस कभी ऐसी स्थिति हो जाती है कि आपके विंडो पीसी का जो विंडो होता है वो करप्ट हो जाता है या हमें एक्सचेंज करते हैं, विंडो चेंज करते हैं, उस स्थिति के अंदर जो डेस्कटॉप पे आपके जितने भी फोल्डर्स हैं वो सारे के सारे वो डिलीट हो जाते हैं जब हम लोग नया विंडो उसके अंदर अपग्रेड करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिक्वायरमेंट नहीं करूँगा कि आप लोग आपके जो पर्सनल डेटा होते हैं या फोटोज़ होते हैं या वीडियो होते हैं, जो भी आपके प्राइवेट पर्सनल डेटा होते हैं जो आपको काफ़ी ज़रूरत होती है उन डेटा की, तो वो डेटा है वो कभी भी डेस्कटॉप के अंदर गलती से भी सेव न करें, क्योंकि कभी भी विंडो है वो करप्ट हो सकता है। इस पर हम लोग है वो ट्रस्ट नहीं कर सकते, तो आप अदर डिवाइस के अंदर है वो भी सेव कर सकते हो। तो कभी नेक्स्ट वीडियो पे मैं और बताऊंगा आपको कि यदि आपने विंडो करप्ट हो गया है और आपके डेटा है वो सी ड्राइव के अंदर है तो उनको आप कैसे रिकवर करोगे। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए हुए वीडियो है वो शुरू करते हैं और सीखते हैं हम लोग कि डेस्कटॉप के अंदर हाइड फोल्डर है वो कैसे क्रिएट करेंगे। और मैं जो तरीका बताने वाला हूँ बहुत ही यूनिक तरीका है, शायद ही आप लोगों ने कभी ऐसा तरीका देखा होगा। नॉर्मली हाइड फोल्डर है वो सभी क्रिएट करते हैं और मोस्टली आज के टाइम में सभी को पता भी है, लेकिन मैं आपको जो तरीका बताने वाला हूँ वो बहुत ही यूनिक तरीका है और बहुत ही हटके है, सबसे हटके तरीका है जिससे आप फोल्डर को हाइड करोगे। फोल्डर तो वहाँ पर होगा लेकिन वो दिखाई नहीं देगा कैसे, तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पर चलते हैं और खुद देखते हैं वीडियो। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन पे चलिए दोस्तों सीखते हैं कि अपने लैपटॉप के अंदर या विंडो डेस्कटॉप के अंदर है वो आप हाइड फोल्डर है वो कैसे क्रिएट करोगे। तो सबसे पहले आपको डेस्कटॉप पे न्यू पे आना है, वहाँ पे एक न्यू फोल्डर है वो क्रिएट करना है। अब जो पहले से जो आपको नाम दिया गया है उस नाम को आप रीनेम कर दोगे। उसके बाद आपको अलर्ट के साथ में दबाए हुए रखना है 0160 दबाना है और इंटर प्रेस करना है। जैसे आप इंटर दबाओगे ध्यान रहे साथ में अलर्ट दबा हुआ होना चाहिए और 0160 है वो दबाना है जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है उस। अब आपको क्या करना है, ये फोल्डर है वो बिना नाम का फोल्डर है वो बन गया है। तो इस एक वीडियो से आपके दो काम होंगे। बहुत से लोग ऐसे आपको मतलब टास्क देते हैं कि आप कंप्यूटर के अंदर मास्टरमाइंड हो तो आप बिना नाम का फोल्डर वो क्रिएट करके दिखाओ। तो आप इस तरीके से अपने दोस्तों को बिना नाम का फोल्डर क्रिएट करके दिखा सकते हो, जिससे आपका इम्प्रेशन है वो और अच्छा रहता है, जिससे सामने वाले को लगता है कि आपको कंप्यूटर के अंदर बहुत कुछ पता है। तो आप अपने आप को यदि कंप्यूटर में मास्टर माइंड समझते हो तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत काम है। तो एक वीडियो में दो काम हो गए आपके। अब इस फोल्डर को हम लोगों को गायब करना है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूँगा। उसके बाद आपको कस्टमाइज का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आपको क्या करना है क्लिक करना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे चेंज आइकन के ऑप्शन पे है वो दिखाई दे रहा होगा, तो उस चेंज आइकन ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आइकन मिल जाएंगे जो फोल्डर को आपको देने हैं, तो इनमें से हमें कोई भी आइकन फोल्डर को वो चूज नहीं करना है। हमें हाइड फोल्डर बनाना है तो यहाँ पे आपको तीन ऐसे फोल्डर दिखाई दे रहे हैं जो दिखाई भी नहीं देते।
तो उनमें से एक फोल्डर पर वो हम लोग सेलेक्ट करेंगे। एक फोल्डर पर आप आराम से किसी भी फोल्डर पर वो हाइड कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो देखिए फोल्डर है वो इस तरीके से बन जाएगा। ये तो ये फोल्डर शो नहीं हो रहा है। यदि आपको फोल्डर बिल्कुल भी नहीं दिखाना है कि आपका डेस्कटॉप जो फोल्डर है वो बिल्कुल भी शो न हो किसी को, तो यहाँ पे इनमें से कोई भी आप एक सेलेक्ट कर लेना, फोल्डर है वो बिल्कुल भी हाइड हो जाएगा, यानी डेस्कटॉप पे दिखाई नहीं देगा, और ओके करके अप्लाई कर देना। तो धन्यवाद दोस्तों, तो बने रहिए टेक्निकल दोस्त इंडिया के साथ। और यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों अप्लाई करो जरूर करें। तो दोस्तों इस तरीके से आप किसी भी फोल्डर को अपने विंडो पीसी के अंदर हाइड वो कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल तरीका है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, आपको नॉलेज मिल रहा है, तो दोस्तों एक लाइक तो बनता है। और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर करें। बेल आइकन भी ऑन कर दीजिए, ताकि मैं जब भी नया वीडियो मेरे चैनल पर आए तब वो आपको नोटिफिकेशन है वो प्राप्त हो जाए। यदि आप मोबाइल है वो हिंदी में यूज़ कर रहे हो, तो आपको नीचे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा सदस्यता ले, तो वहाँ पे सदस्यता जाके ले लें। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।